महामहिम राज्यपाल ने बिल्कुल आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर में ये मामला हमें, चूँकि निर्णय लेना है ECI को, इसलिए हम यहाँ से जो हमारा जो कुछ हमको डाउटफुल है उसको कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है, एक दो दिन में उसको स्पष्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि जो उहापो का स्थिति है, असमंजस का स्थिति है राज्य में, इसमें सरकार की और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जो इसकी जनता तक मैसेज जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से हमारे जो राजभवन तरफ से ये बातों को मैं हम क्लियर कर दूंगा। लिफाफा खुला है लेकिन कुछ चीज़ों में डाउटफुल है, वो चीज़ों को हम लोगों ने अब क्या खुला किया उसको नहीं बोलना उचित नहीं था। राज्यपाल के निर्णय के बाद ही सारे विधायक आएंगे तो रायपुर में रहेंगे? नहीं, विधायक लोग आएंगे नहीं आएंगे तो सदन नेता CLP का लीडर हमारे प्रभारी तय करेंगे, लेकिन आज जो बात है नहीं 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 ये आज की बातों की इसमें डायल्यूट हो जाएगा। माननीय राज्यपाल जी से जो हमारी टीम मिल करके अपने बातों से अवगत हम लोग ने कराया और जो कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ उसको लेके राज्यपाल जी ने जो कहा कि बहुत जल्द ही जो चिट्ठी उनके पास आई है उस पर राय मशवरा लेकर के जल्द ही उसको जो है इलेक्शन कमीशन की ओर भेज देंगे। और हमारा माननीय राज्यपाल से यही निवेदन रहा है कि हम लोगों का कि जिस जो परिस्थिति उनके हाथ में भी झारखंड को स्थिर करना, यहाँ की व्यवस्था को स्थिर करने का एक नायक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो संरक्षण हमें मिलना चाहिए। नहीं, वो अभी कुछ नहीं बोले हैं, वो बोले हैं कि एक दो दिन के अंदर में वो राय लेकर के जल्द ही आपका जाके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। हम लोग आश्वस्त हैं और आगे की रणनीति हमारी जो भी यहाँ से आगे इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी जाएगी उसके आगे हमारी रणनीति तय होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।